गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि व्यस्तता हमेशा मस्त रखती है। तो चलिए, आज का मैं अपना क्लास शुरू करती हूँ बिना समय गंवाए। आज मैंने आप सबके लिए कुछ खास प्रश्न लिए हैं और उन प्रश्नों को आप समझेंगे तो आपकी जो कॉमन एरर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होती जाएंगी। यहाँ पर कुछ खास प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैंने प्रश्न लिखे हैं, और प्रीपोजिशन क्या करता है नाउन और वर्ब के बीच में, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे रिलेशन बताता है, और वो रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। चलिए कैसे होता है देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिए हैं इन, ऑफ, एट और विद का। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड किस तरीके से फिट होगा जैसा समझते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग, अब लुकिंग का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? किसी खास पॉइंट पे कोई देख रहा है तो हम कह रहे हैं कि कहाँ देख रहे हो भाई। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कोई खास पॉइंट है, लोकेशन के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी खास पॉइंट के लिए, कोई खास एड्रेस के लिए, कोई खास जगह के लिए हम लोग यूज करते हैं एट का। ठीक है, अब चूंकि ये क्वेश्चनिंग है हमारा सेंटेंस, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये भी एरर्स होते हैं तो इस पे भी फोकस कीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे आपको मार्क नहीं दिया हो तो आपको अपनी ओर से लगाना। दूसरा है व्हाट आर यू थिंकिंग। अब थिंकिंग है तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो अबाउट वर्ड यूज हो सकता है, अगर अबाउट का मतलब है किसी खास विषय में। तुम किस विषय में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, या फिर अगर अबाउट नहीं है तो क्या इसमें से हमारा ऑप्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग ऑफ का यूज करते हैं किसी खास विषय को दर्शाने के लिए, या फिर किसी खास व्यक्ति को किसी खास चीज से रिलेट करने के लिए। जैसे दिस इज पेन ऑफ मनीषा, दिस इज पेन ऑफ राहुल, तो हम लोग ऑफ का यूज उस वक्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो जाएगा ऑफ, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चनिंग है। इज देयर अ काउ डैश द फील्ड, यहाँ पे द फील्ड है और काउ कहाँ पे है, कोई खास बड़ी सी जगह बताई जा रही है, यानी कि फील्ड की बात की जा रही है। फील्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन का। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सी जगह है और वो कोई खास पॉइंट होता तो हम लोग बात करते कि एट का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन का यूज होता है। द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, अब यहाँ पे कैट जंप कर रही है, कहाँ पे कर रही है? ऑफ। ही इज डैश द टी, ये क्या है वो? ऑन द ऑफ, यहाँ पे ऑफ का यूज हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज के विषय में हम बताते हैं कि मैं इस चीज की शौकीन हूँ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है, तो हम लोग आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, आई एम फॉन्ड ऑफ बटर पनीर मसाला, दिस दैट एंड सो ऑन, जहाँ पे आपकी शौक की बात होती है वहाँ पे हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ सिनोनिम लेके आए हैं, और वो सिनोनिम है कॉन्ट्राबैंड। इस पे आप फोकस कीजिए, कॉन्ट्रा बैंड। कॉन्ट्रा बैंड का मतलब होता है किसी खास चीज को चोरी छुपे बिजनेस करना, या फिर एक द्वीप से दूसरी द्वीप पे भेजना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा होगा। पहला है जगल्ड, दूसरा है बर्गल्ड, तीसरा है स्मगल्ड।
कंट्राबैंड का मतलब होता है किसी खास चीज को चोरी छुपे बेचना। यहाँ पे जगंड का मतलब होता है किसी चीज को हवा में उछालना, मतलब एंटरटेन करना है। बरगंड का मतलब होता है किसी चीज को चुराना या किसी बात को मैनिपुलेट करना या किसी चीज को इधर उधर करना, हेरा फेरी कर देना होता है। और स्मगंड का मतलब होता है स्मगलिंग करना, आप लोग तो नाम सुने ही है, हमेशा जानते हैं। तो उसका मतलब हो गया किसी चीज का चोरी छुपे बिजनेस करना और बिजनेस करके अर्निंग करना। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वन वो है स्मगल। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिनोनिम से रिलेटेड एक प्रश्न का आंसर बताया, और उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कॉमन एरर्स की बात की है, और कॉमन एरर्स को समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए, अब अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कुछ मनोविज्ञान से संबंधित, मनोविज्ञान में जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है किस तरीके से होता है और कैसे एक बच्चा बड़ा होता है, किस तरीके से ना समझी से समझी की ओर बढ़ता जाता है। तो चलिए, मैं अगले वीडियो की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।